विराट कोहली और गौतम गंभीर एक बार फिर लखनऊ के एकाना स्टेडियम में भिड़ते हुए नजर आए। दोस्तों पूरा मामला क्या है आपको बता दूं शुरू से। दरअसल इस लड़ाई की शुरुआत यहां नहीं हुई थी, इसकी लड़ाई की शुरुआत हुई थी चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जहां लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक विकेट से रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को हराया था। उसके बाद अलग ही एक तरीके से एग्रेशन देखने को मिला था गौतम गंभीर की तरफ से, और वहां वो क्राउड को चुप रहने का आदेश दे रहे थे एक तरीके से, और वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। आज इस सीजन में दूसरी बार दोनों टीमें भिड़ते हुए नजर आई। विराट कोहली पिछले मैच का बदला लेते हुए नजर आए, 18 रन से हराने में कामयाब रही रॉयल चैलेंजर बेंगलोर लखनऊ सुपर जायंट्स को। लेकिन इसके बाद जो हुआ एक तरीके से वो बहुत ही कम देखने को मिलता है क्रिकेट में, आईपीएल में, जहां दिल्ली के दो खिलाड़ी गौतम गंभीर और विराट कोहली भिड़ते हुए नजर आए। लेकिन उससे पहले जब भी मैदान पर विकेट गिर रहे थे लखनऊ सुपर जायंट्स के, तो एक तरीके से अलग ही ऊर्जावान नजर आ रहे थे विराट कोहली। वहां क्राउड को वो चुप कराते हुए नजर आ रहे थे, खूब जश्न मना रहे थे। नवीन उल हक के साथ उनकी एक तरीके से कहा सुनी होती है, इसके बाद अमित मिश्रा के साथ होती है, काइल मेयर्स के साथ होती है। लेकिन एंड में जो कह सकते हैं कि जो हाईलाइट रही वो गौतम गंभीर के साथ भिड़ना उनका। गौतम गंभीर पहले शांत कराते हुए नजर आ रहे थे सभी खिलाड़ियों को, लेकिन उसके बाद कह सकते हैं कि वो खुद भिड़ते हुए नजर आए विराट कोहली से। ये एक तरीके से क्रिकेट फैंस को देखना अजीब सा लगा, क्योंकि दिल्ली के दो खिलाड़ी, भारत के दो बहुत बड़े खिलाड़ी आपस में इस तरीके से भिड़े, ये बिल्कुल जायज नहीं है। उम्मीद यही करते हैं कि झगड़ा उतना बड़ा ना हुआ हो, लेकिन देखकर यही लग रहा था कि झगड़ा बहुत आगे बढ़ गया है। और अब आने वाले टाइम में जब भी विराट कोहली और गौतम गंभीर आमने सामने होंगे तो दिक्कतें आने वाली हैं।